मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 12 लाख रोजगार देने का जो ऐलान किया है उसकी प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग में मंत्री मंगल पांडे ने समीक्षा बैठक की और उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर महीने में लगभग 13,000 भर्तियों को पूरा करने का निर्देश दिया है। बता दें आपको कि समीक्षा बैठक के दौरान मंगल पांडे ने कहा कि अब स्वास्थ्य विभाग मिशन मोड में आ जाना चाहिए और 13,000 जो भर्ती है वो 3 महीने के अंदर हो जाएगा। अक्टूबर से दिसंबर महीने तक रिक्त पदों पर भर्तियां निकाली जाएगी, परीक्षा लिए जाएंगे और उसके बाद दिसंबर महीने तक भर्तियां पूरी भी हो जाएगी। बता दें हम आपको कि मंगल पांडे ने समीक्षा बैठक करके तमाम पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि सूबे के अस्पतालों में आयुष चिकित्सक सहित 13,267 पदों पर नियुक्ति होगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अस्पतालों में मिशन मोड में रिक्तियों को अक्टूबर तक भरने का निर्देश दिया है। सरकारी अस्पतालों में रक्ताधिकोष एवं रक्त पृथक्करण इकाई स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यक्रमों और योजनाओं की विभागीय अधिकारियों के साथ प्रगति की समीक्षा भी की है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बेहतर एवं गुणात्मक स्वास्थ्य एवं विशिष्ट चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने की सरकार की प्राथमिकता को देखते हुए ज्यादातर पदों को अक्टूबर तक भरे, शेष बचे पदों पर दिसंबर 2024 तक नियुक्ति करने का निर्देश राज्य स्वास्थ्य समिति के अधिकारियों को दे दिया है। इसके अलावा आयुष चिकित्सक की जो भर्तियां निकाली गई है उनकी संख्या 2724 है, CHO 4500, मेडिकल ऑफिसर 757, ऑप्थाल्मिक सहायक 220, स्टाफ नर्स 2500, ANM 1229, लैब टेक्नीशियन 982, लॉजिस्टिक मैनेजर 38, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक या अस्पताल प्रबंधक 97, ब्लॉक अकाउंटेंट 38, प्रखंड अनुश्रवण सहायक 128, प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक 54। ये तमाम वैकेंसी अक्टूबर महीने में निकल जाएगी और इसके अलावा जो पद बच जाएंगे उनके लिए दिसंबर महीने तक बहाली निकल जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने गुणवत्तापूर्ण प्रसव सेवा के लिए फास्ट रेफरल इकाई की संख्या बढ़ाने को कहा है, इसके लिए विशेष चिकित्सकों की जल्द भर्ती कराने को कहा है। पहले से कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकों को पूर्ण पद स्थापित करने का निर्देश दिया है। सरकारी अस्पताल के सभी प्रसव गृह और ऑपरेशन थिएटर की कमियों का निराकरण करते हुए लक्ष्य सर्टिफाइड अस्पतालों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। थैलेसीमिया डे केयर सेंटर एम्स और GMC पूर्णिया में स्थापित करने, बोन मैरो प्रत्यारोपण के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष से शीघ्र राशि आवंटित करने को कहा, सहरसा बेतिया और छपरा में रिक्त पृथक्करण इकाई स्थापित करने का निर्देश दिया है। ये तमाम निर्देश स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 12 लाख सरकारी बहाली की का जो ऐलान किया है इसकी प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। लगातार तमाम विभागों से रिक्त पदों की संख्या मांगी गई, सबसे ज्यादा बहाली शिक्षा विभाग में लाई गई है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य विभाग आता है। स्वास्थ्य विभाग में भी लगभग 65,000 के आसपास रिक्त पद है और ये तमाम रिक्त पद बिहार विधानसभा चुनाव के पहले तक पूरे हो जाएंगे और बिहार को कुल मिलाकर 16 लाख रोजगार मिलेंगे, जिसमें सरकारी नौकरी और रोजगार तमाम चीजें शामिल है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।